मार्च 2017 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ बड़ी हैरानगी हुई और परेशानी भी हुई दुख भी होया कि अज 4 साल पूरे हो गए है ते 4 साल चे इन्हां ने अज इश्तिहार दिता है और उहदे चे क्या नवा नरोआ पंजाब 4 साल भरोसे जोश प्रेरणा ते विकास दे असलियत की हालात की है। वैसे तो इश्तिहार देना ही और उहदे बारे कोई अज 4 साल की प्राप्ति की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी किते ना किते तो यह भी वड्डा संकेत दिंदी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जा कांग्रेस पार्टी इस गल नूं समझदी है कि उन्हां दी प्राप्ति कोई नहीं ते जद प्राप्ति कोई हुंदी वड्डी ते सरकार फिर आपदा अज 4 साल की प्राप्ति गिनाउंदी मगर प्रेस का सामना कर नहीं सकते सी क्योंकि जे ओपन चौथा पावा डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का प्रेस दे सज्जन जे उन्हां नूं सवाल करदे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इह गल समझ आ गई सी कि अज घिर जांगे अज झूठ चलना नहीं इसलिए उन्होंने करोड़ों रुपया इश्तिहार च तां देता मगर लोगों के अगे आ के ये हिम्मत नहीं पई कि 4 साल अली बाबा 40 चोर ने पंजाब के लोगों को किवें ठगिया। एक पासे तां कहता नवा नरोआ पंजाब असल हालात की पंजाब दे होए है 4 साल कि किसान खुदकुशी एक शिखरां ते पहुँच गई है। अज 1500 तो वध खुदकुशियां हो गई ने उस तरह बेरोजगारी जे तुसी लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे डाटा कढ़ो सब तो वध जे बेरोजगारी अज पंजाब चे किसे समय तो मतलब जे रिकॉर्ड पुराना कढ़ो तो सब तो वध जे बेरोजगारी है तो अज है अनइंप्लॉयमेंट लैवल्स एट द हाईएस्ट एट इट्स पीक इन्नी अनइंप्लॉयमेंट कदे पंजाब चे वेखन नहीं और ये वैल एस्टैबलिश्ड फिगर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे। इस तरह मैं कह सकता कि अज का जिहड़ा पंजाब है वह तो लताड़िया रुलिया होया पंजाब जिहड़ा कांग्रेस ने रोलता फड़ के अपनी मिस गवर्नेंस करके मिस रूल करके ऐश परस्ती करके झूठियां वैदे झूठे कसमां नाल लोकां नूं जिस तरीके नाल निराश कीता या लोक विरोधी बेरुखी जे लोकां प्रति विखाई है वो मौजूदा कांग्रेस सरकार ने विखाई। और मैं समझदा कि कल्ले नारे बोलने नाल हालात नहीं बदलने इन्हां दा पहला नारा सी मैं विधानसभा च भी ऐद की कहा कि 18 च 17 च 18 च 19 च इन्हां दा नारा रहा है खुशहाल किसान प्रगतिशील नौजवान ऐद की आ अखबार च भी बदलता ते वैसे विधानसभा च जो बजट डॉक्यूमेंट आया वह भी बदलता उदों करता खुशहाल किसान कामयाब पंजाब विचों नौजवान तो हटाई दिता और उही काम है कि आ वैदे वेखो हैरानगी होंदी है कि इस तरीके की बेशर्मी इस तरीके की धोखाधड़ी किस मूह नाल तुसी ये गल लिख रहे हो मेरी सरकार का पक्का इरादा मैं कहना इस सरकार तो कच्चा इरादा ते फेल सरकार कोई नहीं हो सकती। थले लिख रहे जर जमीन अते किसानी दी राखी वेखो किसान खुदकुशी
एक शिखरा ते एट इट्स हाईएस्ट लैवल और लेटेस्ट एग्जाम्पल बीइंग मैं बाकी एग्जाम्पल च नहीं जाता जो बुद्ध सिंह नाल होया जिन्हां दे घर गए कलानौर च दसूए च मद्दीपुर पिंड दे जगतार सिंह कृपाल सिंह जिन्हां ने अपने सुसाइड नोट च सुसाइटी का कर्जा सी सिर्फ सुसाइटी का एक किले दे मालिक 20 साल सरपंची कीती बंदे ने नंबरदार पिंड का जुम्मेवार बंदा उन्हें आपके सुसाइड नोट च अपनी मौत का जिम्मेवार कांग्रेस सरकार दे झूठे वहदे झूठे लारे कि मेरा तो किसी नैशनलाइज बैंक का लोन ही नहीं सी कॉपरेटिव का सी वो भी माफ नहीं होया उन्हें आप भी खुदकुशी करती ते मुंडे ने भी खुदकुशी करती। जब हालात ये बन जान कि खुदकुशी करने वालों की गिनती बढ़ गई होवे तुसी केड़े मुंह नाल अज ये गल लिखते हो किसानी की राखी किसानां दी राखी तां की करनी सी अज उल्टा कर्जा वध गया इन्हां दा वायदा सी कि 90,000 करोड़ माफ करांगे आड़तीए दा करांगे कोऑपरेटिव बैंकां दा करांगे नैशनलाइज बैंकां दा करांगे ते असलीयत की होगी कि किसानां दे कर्जे माफ तां की होने सी कर्जाई वध गया जी 12-15,000 करोड़ रुपया कर्जा होर उन्हां दे सिर चढ़ गया कुरकी रुक नहीं रही बैंक उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है और लोग इस झांसे च मारे गए कि शायद साडा कर्जा माफ हो जू और धोखाधड़ी किस हद तक की कि आ गन्ने दे काश्तकार ने वेखो गन्ने दे किसानां नूं अज तक जो बकाया 800 करोड़ उन्हां दा बनिया पिया वह भी घटे रेटा ते हरियाणे या तुसीं यूपी नाल कंपेयर करो तो रेट उत्थे वध है पर एकड़ कोई 10-12,000 की मार गन्ने दे किसान नूं एक एकड़ चो पैंदी है कोई 300-400 करोड़ का नुकसान टोटल पंजाब दे किसानां नूं हुंदा क्यों क्योंकि मौजूदा कांग्रेस की सरकार प्राइवेट मिलां नाल रल के खेडदी है आपदे किसानां दी हक की गल नहीं करती किसानां दा बकाया तुसी ना दिओ कॉपरेटिव दे लोन तुसी माफ ना करो सोसाइटी दे कर्जे तुसी माफ ना करो आड़तिया ते नैशनलाइज बैंकां दी गल दूर दी है जे ओ कुड़की कुड़की वल तुरदे है तुसी उन्हां दी हमायत च खलो जाओ अज ओ सरकार कित्थे क्लेम कर सकदी कि ओ किसानां दी राखी 1500 तो वध किसान खुदकुशी करके ना किसे नूं सरकारी नौकरी ते ना किसे नूं 10 लाख जो मदद दा इन्हां ने वायदा कीता सी। फिर दूजा अगली गल लिखती सूबे विच शांतमई माहौल बनाई रखना आ कल दा ही उदाहरण है मैं दूर नहीं जांदा आ कल डॉक्टर साहब सिविल हस्पताल च उन्हां दे सिविल हस्पताल च वड़ के उन्हां ते गोली मारती गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी का इलाज किया और दूजे नूं जिहड़ी दूजे धिर सी उन्हूं पसंद नहीं आया या मुख्तियार अंसारी दी तुसी करोड़ों के वकील उहदे पिछे कर दिंदे हो मगर जिहड़े किसान बेचारे खुदकुशी कर रहे उन्हां वेले थोड़ा खजाना खाली हो जाता है। तो कि शांतमई रोज़ लुट खो रोज़ फरौती दियां गल्लां रोज़ चेना चोरियां होनियां रोज़ धियां भैणां दा अपमान होना और ये कह रहे हैं कि पंजाब शांतमई है वड्डे वड्डे गैंगस्टर आपका जन्मदिन मनाउण कैंठे पा पा के वीडियो कॉल ते लोकां नूं थ्रेट करन फरौती मंगण ते ये कह रहे पंजाब शांतमई है रोज़ इत्थे रौला पैंदा है रोज़ लॉ एंड आर्डर की स्थिति खड़ी होंदी है और ये हले पंजाब नूं कि मिन्नत हैरानगी होंदी इश्तिहार देने वेले शायद कप्तान साहब ने आप नहीं पढ़िया होना नहीं तो कहिंदे इन्ना झूठ ना लिखो। अगले ही सारे पंजाबियों की जान अते जान की सुरक्षा मैनू लगता तुसी दूर तो जान की गल दूर है तुसी आप दे आप नूं नहीं सुरक्षित महसूस करते साडियां धीआं भैणां साडे बच्चे अज पंजाब च लॉलेसनेस लॉ एंड आर्डर की सब तो माड़े हालात क्यों क्योंकि पंजाब अज गैंगस्तान बनाया गैंगस्टरां लई इत्थे VIP फैसिलिटी 5-स्टार फैसिलिटी स्टेट गैस्ट की उन्हां नूं सहूलतां
ते पंजाब दा एक आम नागरिक नू बेसिक लॉ एंड ऑर्डर दी जो उन्होंने इंसाफ है वह नहीं मिल रहा। जरूरतमंद का दुख दूर करना, नारी शक्ति नू समर्थ बनाना, जेड़ियां बेचारियां गईयां सन आपदा हक मंगन पटियाले वुमेन डे ते 8 मार्च नू, उन्हां नाल किस तरीके का तशद्दुद होया तुसी सारी टीवी चैनलों ने वह गल चलाई है, या जेड़ियां हरगोबिंद कौर है जेड़ी अपना आंगनवाड़ी यूनियन की प्रधान सी उहदे नाल अश्लील हरकतां करनियां, उन्हां दे नाल चुन्नियां उन्हां दियां ला के कांग्रेसी भर जा भज जाने बठिंडे च FM दे घर दे अंदर, और तुसी कह रहे हो कि साडियां धीआं पैणा दा सत्कार है। और अज दी खबर आ हुण दी खबर है कि 38 साला किसान ने कर्जे तो परेशान होके कीती खुदकुशी। आ मैं हुण एज वी स्पीक अज दी ते किवें तुसी हाउ कैन यू ईवन क्लेम ये गल्लां। फिर अगे समर्थ नौजवान नू सही सेध देनी, एक भी नौजवान नू नौकरी नहीं, उन्हां वेले खजाना खाली, बेरोजगारी भत्ता वैदा सी 2500 देना, एक नौजवान नू भी जे बेरोजगारी भत्ता दिता होवे नॉट ईवन वन। और ये हालात की बजट च कित्थे उहदे दा ओ एक पैसा रखना छड्डो कि उहदे नौ थले कोई एंट्री रख के कोई प्रोविजन ही नहीं रखिया, ते थोड़ी मंशा ही नहीं साहब। इस तरह SC BC अते आर्थिक तौर ते कमजोर वर्गां नू तेजी नाल सर्वपक्षी विकास, मैं समझदा ये तो सिर्फ धर्मसोत नू ध्यान च रख के कहता, करोड़ां दी ठगी मारन वाला वजीर किन्हां नाल ठगी, SC बच्चियां नाल। अज ना तो 17 दा SC स्कॉलरशिप दित्ती, ना 18 दी दित्ती, ना 19 दी दित्ती, ना 20 दी दित्ती, ना 21 दी दित्ती, हजारां करोड़ नीति आयोग च मुख्यमंत्री साहब आप कह के आ रहे हैं कि साडा SC बच्चियां दा 1850 करोड़ देण वाला रहिंदा, स्कूल कॉलेजां ने उन्हां दी एडमिशन बंद करती है, 33% आबादी वालियां नूं अज कॉलेज अंदर ना उन्हां नूं डिग्री मिल रही है, ना एडमिशन मिल रही है, ना वो पढ़ाई तो कर सक रहे, पढ़ाई तो वांझे हो गए हैं। तो इन्हां दी बेशर्मी वेखो, जेड़ा बंदा 65 करोड़ खा गया, कृपा शंकर सरोज जी ने देखो ये भी पहली बारी होया, चीफ सैकटरी रैंक का अफसर वजीर नूं जुम्मेवार ठहराउंदा, और उस तो जब छोटे रैंक के अफसर इनकुआइरी नहीं कर सकते सी, छोटे रैंक के अफसर ओदी इनकुआइरी करते, और इनकुआइरी करन वाले नूं अज कमिश्नां च मैंबर लाता जस्ट बिकॉज उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह की मनपसंद क्लीन चिट दिती। सबना लई सस्ती रोटी अते पक्की छत यकीनी बनाउणा, आखीरला वायदा दसो किनू सस्ती रोटी मिली। सब तो वध महंगाई अज पंजाब च है, वैट जिहड़ा है, देखो कै जाखड़ साहब ने एक ड्रामा किया जिस दिन 1 मार्च नूं सैशन शुरू होया, कि एक पासे गवर्नर साहब नूं रैड कारपेट ते दूजे पासे गवर्नर साहब दा घराओ, असी उहनां नूं इह गल कही कि लोगों इस तरह तुसी धोखा दे के मूर्ख नहीं बना सकते, इफ यू आर सिंसियर टू द कॉज खजाना मंत्री का घराओ रखो। सब तो वैट वध डीजल पेट्रोल च पंजाब वसूलती है, आपका वैट 5 रुपए नाल घटा दिओ ते असी जाके दिल्ली का घराओ थोड़े नाल करांगे, क्योंकि पंजाब सरकार भी लोगों ते बोझ पा रही है, मगर एक बारी भी ना बजट च ना अगे पिछे आपकी सरकार का वैट घटाने लई कोई काम किया, क्यों, क्योंकि जिन्ना रेट वधदा दिल्ली तो उहदे हिसाब नाल वधा होया टैक्स पंजाब सरकार के खजाने च वध आउंदा। इन्हां दी सोच ही नहीं, मंशा ही नहीं, इरादा ही नहीं कि यह वैट घटे। और इस तरीके नाल बजट डॉक्यूमेंट च लिखिया कि इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी श्रोमणी अकाली दल वेले 1980 करोड़ कट्ठी होंदी सी ते हुण होंदी है 3100 करोड़ दे नेड़े तेड़े। कहण दा भाव कि इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी मतलब कि जिहड़े रेट
40% 45% ਵੱਧ ਗਏ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਅੱਜ 11 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਤਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਮਗਰ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਕਲੇਮ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 17 'ਚ ਨਾ 17 'ਚ ਦੀਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ 18 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਨਾ 19 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਨਾ 20 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਨਾ 21 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ 0 ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ 0 ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵਧਾ ਮੁਕਾਤੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪੀ ਕੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ 84.6 ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ 84.6% ਵਾਧੇ ਤਾਂ ਸੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 15.4 ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 100% ਵਾਧੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵਾਧੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ TA ਭੱਤੇ ਖਾ ਗਈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕਰਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਉਹ ਅੱਜ ਅਖੀਰਲੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ RTI 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗੂਤ ਜੇ ਗਵਾਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ 2 ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ RTI ਕਢਾਈ ਹੈ ਕਿ RTI 'ਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੇਸਟਫੁੱਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆ ਮੱਧੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਅ ਸੀਰੀਅਸ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਵਾਏ ਅਤੇ ਸਿਵਾਏ ਆਪਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਵੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੈਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ 24,000 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਖਰਚਾ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਔਨ ਹੈਲਥ ਖਰਚਾ SC ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਅੱਧ ਕਰਤਾ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਵਧਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਤਾ ਔਰ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ 'ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ
फाइनेंस कमीशन दे पैसे या दिल्ली तो जेड़े पैसे आ रहे हैं करोड़ा रुपया मोदी साहब ना जेड़ा रल के खेड रहे उत्थों पैसा आ रहा नहीं तो अपनी कमाई इन्हों की सब तो ढिली है 11% ग्रोथ है सिर्फ जबकि हरियाणा हरियाणा राजस्थान च 25-50% ग्रोथ चल रही है 11% का ग्रोथ सिर्फ इनफ्लेशन नाल ही हो जाती है जिनी महंगाई के दर वधदे है इस तरीके की जो धोखा धड़ी ठगी उत्थे चल रही है वो थोड़े अज सामने मैं पेश की है कि ये 4 साल सिवाए तो सिवाए धोखे दे और बार्डर के इलाकों ये मैं बजट एलोकेशन दस रहा 300 करोड़ रुपया इन्होंने रखे 17 च 18 च फिर 300 टोटल 800 करोड़ हुण तक एलोकेट किया तारा तो पार वाले दिता किन्ना 0 इस तरह ये कहिंदे जी असी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के नौ ते लॉ यूनिवर्सिटी बनाती तुसी माझा कवर करते हो यूनिवर्सिटी कोई नवी वेखी 8 मैडिकल कॉलेज ये दसे कि मैडिकल कॉलेज बनाते एक मैडिकल कॉलेज नहीं किथे बने ना यूनिवर्सिटी बनी बल्कि बना की सी जिहड़ियां चलदियां वह भी बंद होण दे किनारे आ गईयां ने इस तरह होर भी बड़ा ये झूठ लिखिया हाँ फिर शहीदां दे नौ ते स्कीमां तुहानूं याद होना कि खजाना मंत्री साहब ने चलाई सी यारी एंटरप्राइजेज कि ये लखां नौजवानों नूं रोजगार देना एक नूं नहीं मिली फिर हरा ट्रैक्टर ट्रैक्टर हरे तो लाल पीले हो गए हले लभ्या एक नूं नहीं इस तरह पता नहीं किहड़ा किहड़ा झूठ इन्हां ने ये बोलिया लम्मी चौड़ी कहानी है ये सारी गल्लां थोड़े अगे मैं जिहड़ी रख रहा इस तरह मेरे वीरो मैं तो अज यही कह सकदा कि फोर ईयर्स कप्तान साहब दे अली बाबा 40 चोर दे फेल मिसरूल धोखाधड़ी लोगों नाल फरेब ते केवल ते केवल रेत माफिया शराब माफिया उन्हां दे मगर कोरोना काल च उन्हां नूं करोड़ां दा फायदा ते लोग धक्के दे धक्के खांदे रह गए किसी का कुछ नहीं बने तुसीं दसो जी हुण एमरजेंसी लग गई है भरा एमरजेंसी और मैं दसदा एमरजेंसी लगी कि कागज आ एफ आई आर की कापी है थोड़े को एफ आई आर च केड़ी वीडियो बखाद भी तुसी वेखनी वीडियो सौ खा के मुकर गया हुण नहीं राज है बस तेरे ये असल जिदा अज ये डांस करन कांग्रेसी अज ब्रेक डांस इन्हों का होवे सौ खा के मुकर गया हुण नहीं राज है बस तेरे आ आ ये दे दे चला दे एक मिनट नेशनल बैंक चो कईयां ने आड़तियां तो लिते हुए ने ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ मैं फार्म हाउस ते करता और किसानों दा एक बड़ा गुड़ा मौज मेले च लेकिन और जेड़े थोनू औखी घड़ी दे विच उन्होंने पैसे दिते ने ओदी जुमा असी लवांगे उन्होंने पैसे मोड़ांगे असी थोड़े तो नहीं असी मंगांगे कोई पैसे आ सुन लो एक पासे किसानों नु कह देंगे कि कांग्रेस आओगी तो थोड़े मुफ्त बिजली बंद हो जाओ बस एक पासे गरीबां नु कह रहे ने एक ना सुनया काले कौए से डरियो वो हालात बन गया मैं किधर चले जाऊंगी तू वेख दे रही हो चली जान
बेड़ा गर्क करता इन्हां ने पंजाब दा, और सिवाए मौज मस्ती तो सिवाए कख नहीं किया। वेखो नौकरी मिली किनू, एक तां बेअंत सिंह दा मुंडा बनाता डीएसपी, क्योंकि बेरोजगारां नूं दित्ती है, इतना नहीं कि नहीं दित्ती, एक देती इन्हां दा वजीर आ रघु अपना सोढ़ी साहब, उहदे मुंडे नूं बनाता इनफॉर्मेशन कमिश्नर, एक होर आ जिन्हां ने आ धर्मसो तरगिआं नूं क्लीन चिट दित्ती उहनां नूं देती, जां पीके नूं जिन्हें सब तो वध झूठ मरवाया, जीते तो असल चे तां कप्तान साहब ते ते जाखड़ ते 420 लगनी चाहीदी, ते झूठ मरवाउण वाले ते 120 लगनी चाहीदी साजिशकर्ता च, उहनूं फिर कैबिनेट दा रैंक देता, दफ्तर देता, 60-70 बंदे लाते, हजारां बंदिआं नूं भर्ती कर रहा, क्योंकि हुण सोशल मीडिया का झूठ चलाउणा। इस तों वड्डा धोखा फ्रॉड पंजाब दे नौजवानां नाल, पंजाब दे किसानां नाल की हो सकदा। FIR ਦਾ ਭਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਆਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖੋ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਾਉ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, हरियाणा विधानसभा की, इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी का रस्ता रोकया, या उन्होंने कालिया झंडिया विखाइया। मैं पहला तो थोनू पूछना चाहता कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी साढ़े देश की एड्डी मान है, वो किसी नू काली झंडिया विखा देनिया, और काली झंडिया विखाइया क्यों? जो साडे किसानां नाल जिस दिन वो दिल्ली जांदे सी, तुसी उहनां नूं कल्ला काली झंडियां छड्डो, तुसी अथरू गैस मारे उहनां नूं, रबर बुलेट्स नाल उहनां ते किसानां ते अटैक कीता, पानी दी बछारा मारियां, डंडियां डंडे लाठी जो जोर चलदा सी तुसी सारा कुछ मारिया साडे किसानां नूं, किहदे इशारे ते सारा कुछ होया? सड़क रोकियां गईयां, सड़क ते बोल्डर लाए गए, सड़क पुटतियां गईयां, सिर्फ इसलिए कि किसान आप दे देश दे कैपिटल दिल्ली ना पहुंच सके। और ये सारा कुछ किया किने? मनोहर लाल खट्टर जी ने। अज मैं डिमांड करदा है, साढ़े ते जिहड़ी मर्जी धारा ला दे, मगर जिन्हें पंजाब दे नौजवानों दी पग्गां रोलियां, गुरसिखी पंजाब दे नौजवानों दी दाड़ियां पुट्टियां, जिन्होंने नवदीप कौर ते जेल ते धक्का तशद्दद प्राइवेट पार्ट्स तक उन्होंने अटैक कराया, जां शिव कुमार ते कराया, उस ते सब तो पहला उन्होंने 307 की धारा लगनी चाहिए, उन्होंने पंजाब दे पंजाबी नौजवान पंजाब दे किसान दीआं पग्गां लवा के उन्होंने जलील करन दी उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो उन्होंने दा विरोध जारी रहेगा। असी पीसफुल डेमोक्रेटिक आपदे हकां दे अंदर रहिंदे होए आपदी आवाज़ बुलंद कीती सी, और मिली भुगती मैं गल कीती है। मिल के कौन खेड रहा? पंजाब दी कांग्रेस। अज मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा, एक पासे तां असीं कहिंदे आ कि चंडीगढ़ पंजाब दा है, और कहिंदे इन्हां ने हरियाणा सी, हरियाणा विधानसभा दे अंदर नहीं गए, बिल्कुल झूठी गल। जिहड़ी पार्किंग दा इह वाकिआ अज चलो मेरे नाल, वह वाकया वह है जिथों पंजाब दे MLA एक पासों इस तरह वड़दे आ उत्थों निकलदे आ, साडा रस्ता कोई रोके? साडा उल्टा रस्ता रोकया गया। और पंजाब दी विधानसभा अज पंजाब दी कांग्रेस ने राणा KP जी नूं, मेरा सवाल है कि तुसीं सरेंडर करती हो? MLA दा हक है पंजाब दी विधानसभा च जाके लोगों की आवाज़ उठाउणी। जिहड़ा ये गल कही जा रही है, वीडियो वेखो, वीडियो चलाई, वो वीडियो कितों की है? उस पार्किंग की है जिहड़ी पार्किंग चे पंजाब दे MLA अज दे नहीं, पिछले लंबे 50-60 सालों तो जिन्हां दीआं गड्डियां उत्थे रुक लगदियां आईआं, उत्थे कोई डीमार्केशन नहीं, इक्को दरवाजे तहत असीं लंघदे आं, और इक्को दरवाजे गेट राहीं असीं बाहर जांदे आं। असीं हाँ हरियाणा विधानसभा अंदर जांदे, या हरियाणा दे विधानसभा के अंदर जाके, या उन्हां दे पासे जाके
कोई कर दे ते स्पीकर साहब वैसे तो चाहिदा नहीं सी क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट सी, मगर चलो जे तुसी धक्का करना ही सी तुसी कर लेंदे। मगर अज मिली भुगत कि आ देख लो जी आ बाहर दा वाकया, आ बाहर दा वाकया, ये पंजाब विधानसभा का हिस्सा है कि नहीं है? मेरा राणा के पी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पहला सवाल कि पंजाब दा तुसी जे सरेंडर करता है तो फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि तुसी फिर इंदिरा गांधी जो चाहती सी कि पंजाब आपका हक छड़ दे फिर तुसी वो कम किया। हुण दूजी गल ते आ जाओ, साढ़े ते धारा की लाई है इन्होंने 186 323 341 लाई है 511। कोई भी डीओ विखा दियो 323 का मतलब तुसी समझदे हो ना कि किसे नूं पता नहीं चपेट मार देनी जां सट मार देनी। जे किसे एक नूं भी किसे एक बंदे नूं भी कोई उत्थे चपेट मारी आ जां किसे नूं सट लगी होवे, मतलब इस तरीके की घबराहट। हैलीकाप्टर थोड़ा नहीं कोई उतरन दिंदा, इन्हां दी करनाल हलका है, इन्हां दा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उत्थे हैलीकाप्टर तां ला के विखाउण। मैं मन्ना रोज विरोध हो रहा, आ विरोध है, आ कित्थे है इत्थे? थोनू खट्टर साहब कित्थे दिसदे आ? मीडिया सारा उत्थे, और असी कह की रहे हैं खट्टर मोदी किसान विरोधी, और असी मुर्दाबाद केड़ी गल दा कर रहे हैं? विधानसभा के अंदर भी श्रोमणी अकाली दल के MLAs ने मैं आप निंदा प्रस्ताव लाने की गल की कि इस मुद्दे ते जो किसानां नाल दिल्ली दे बार्डर ते हरियाणा लंघन वेले जो हरियाणा सरकार ने किया उस गल के खिलाफ, जो नौदीप नाल शिव कुमार नाल जां रणजीत सिंह नाल जो उत्थे होया जिहदी पग ला के जिहदी दाढ़ी पुट्टी गई जिहदे नाल धक्का किया गया, और ओह जे कई होर पंजाबी जिन्हां नाल बदसलूकी हुई उहदे च निंदा प्रस्ताव लिआउण दी मैं गल कीती, और निंदा प्रस्ताव हरियाणा सरकार दे खिलाफ भी और आप दी दिल्ली दी सरकार दे खिलाफ भी, क्योंकि कई जिहड़े तिहार जेल चों निकले, क्योंकि तिहार जेल का प्रबंध आम आदमी पार्टी की सरकार कोल है, केजरीवाल कोल है, सतिंदर जैन दे मिनिस्टर साहब ने जिन्हां ने निकल के आप उन्हां नौजवानों नूं कहा कि सानूं द्योड़ी च खिलार के साड़ी पग्गां ते जुत्तियां मारियां गईयां ते साड़ी दाढ़ी पुट्टी गई। मैं दोवें मुद्दे उठाए सी, और दोवें मुद्दे उठाउण तो बाद जिद्दे ने विश्वास मत कांग्रेस जीती है, साडा MLA दा फैसला सी कि अज भी किसान की आवाज़ भावें कागजां च जित गए है, मगर जिहड़ा मुख्यमंत्री हरियाणे च कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता, इन्हां दा वजीर कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता, जिन्हां दे प्रोग्राम हुंदे आ लोग स्टेजां तों लैके सब पुट देंदे आ हैलीपैड तक, ते साडा अज संकेतक शांतमई प्रोटेस्ट उन्हां किसानां दी आवाज़ गूंजे, उस दिन भी गूंजे कि भावें MLA किसे मजबूरी करके किसे डर करके अज किसानां दे हक च नहीं खलो सके, मगर उन्हां दी आवाज़ उस दिन भी गूंजे। साडू इस गल दी तसल्ली सी, और असी ओ कम उस दिन भी कीता, अज भी करांगे ते गां भी करदे रहांगे, जिथे पीसफुल डेमोस्ट्रेशन करना साडा संविधानिक हक है ये जारी रहूगा। मगर साडे ते झूठे परचे पा देने, आ धारा देखो जिहड़ियां लाईआं, एक तां लाई आ 186 सरकारी मुलाजमां नूं ड्यूटी तों रोकणा, उत्थे किहड़ा साडी विधानसभा, असी आपदी विधानसभा रोकिया तां सानूं आ परचा तां होणा चाहीदा खट्टर साहब ते दर्ज कि साडा राह रोकी बैठे, साडी गड्डियां नहीं लंघण दित्तियां। दूजा किसे नूं भी घेरना ते घेरिया तां सानूं सी, असी तां खट्टर साहब नूं दस्सण चले सी कि जो पंजाब दे जेलां च तुसी नौदीप नाल जां किसानां नाल कीता ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ 323 ਤੇ ਆਹੋ 511।
इस तरह जे समझते हैं कि साढ़े तो श्रोमणी अकाली दल का बड़ा पुराना इतिहास है, हक सच लई एमरजेंसी लई, एमरजेंसी तो पहला आजादी लई, एमरजेंसी तो बाद, जे इंदिरा गांधी की रूह अज इन्हां दे स्पीकर साहब ज्ञान चंद गुप्ता जी ते जां खट्टर साहब च आ गई है तो फिर पंजाबी भी हक सच लई, किसानी दे इंसाफ लई, पग दी शान लई, कांग्रेस भावें गोडे टेक जे मिली भुगत दस दिखा जे कि असी ना तो हरियाणा विधानसभा के अंदर गए ना हरियाणा विधानसभा की कॉम्पलैक्स आ पंजाब चंडीगढ़ साडा वो पंजाब की विधानसभा जिते असी रोज़ जाके गड्डी लाने उत्थे साडी गड्डी खलोई और अज जे राणा के पी जी ने जां कैप्टन साहब ने वो एरिया सरेंडर करता है फिर पंजाब के लोगों भी दस दिन कि इंदिरा गांधी ने तो कल्ली राजधानी खोई सी असी वह राजधानी नूं अगे सरेंडर शुरू करता है लोगों नूं फिर पता लग जाए सर। वेखो मैं मिली भुगती इसलिए गल करदा पंजाब की विधानसभा च तपन जी तुसीं तां कवर करदे हो इको गेट चो जाने असी सारे पार्किंग हरियाणे की पंजाब की वक्ो वक्री है कि इको ही है सेम है उस सेम पा अज जे राणा के पी जी ने वो पार्किंग सरेंडर करती है और दिल्ली के नाल बीजेपी की सरकार नारे रल के खेड रहे हैं यही मिली भुगत मैं साबित करना चाहता सी। मैं बोल तो उदन भी सकता सी मगर मैं जान बुझ के चुप रहा कि मिली भुगत सामने आवे परचा हो लैन दो तो फिर मैं दसूँगा हाओ पंजाब दी राइट्स पंजाब दी विधानसभा दी जो जगह राणा के पी जी ते कांग्रेस ने किमें सरेंडर करती इंस्टेड ऑफ बैकिंग इज ओन MLAs और ये किसानों नू भी स्पष्ट हो जाए समझ आ जाए गुरसिखां नू पंजाबियां नू जिन्हां दियां पग्गां लाईयां गईयां जां उन्हां नाल बेद भी की गई है जां किसानां नाल धक्केशाही की हुई है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब दी ते राणा के पी जी उस लड़ाई च किस पासे खलोते है इहदे नाल सब दे चेहरे बेनकाब हो रहे। कैप्टन साहब नूं दसो ना जिहड़ा कह रहे सेफ्टी इन्नी वधिया करती वड्डा वो गैंगस्टर है सारा दिन उन्होंने घर च रहिंदा इहदियां तस्वीरां जग जाहिर है एक तस्वीर नहीं मैनूं लगदा कई तस्वीरां तुरी फिरदियां दिखा दे कद्दी इहदे च हजारां ही तस्वीरां उन्हां दा एक पीए परमजीत उहदी तां मतलब कहिंदे जान इहदे च फड़ी और कहिंदे जिन्ने भी कब्जे शहर च हुंदे आ जां धक्केशाही वाले काम हुंदे आ उह उहदे च रल के करदे आ खोल के दिखा दे उह सारा उन्हां दा फ्रंटमैन है कब्जियां वास्ते धक्केशाही वास्ते और अज सारियां फोटो उस गल नूं कोलैबोरेट भी कर रहीआं इसलिए एक्शन होवे टिल द टॉप। बड़ा फिक्र ना करो भैन जी साडे आ साडे सत्कारयोग ने जे लोड़ पई ते आप मजीठियों लड़ सकते तुसीं उन्हां दा फिक्र ना करो बाकी जिहड़े बंदे दा तुसीं नौ लै रहे हो पता नहीं बलेर और जलेर और व्हाटएवर आर दैट जोकर आई डोंट इवन नो हिम आ उहदी फोटो आ दिखा दी आ फोटो सारियां विखा दे ला केड़ी केड़ी फोटो आ फोटो आ कोई काम दी विखा दे ना सारी फोटो हजारां फोटो थोड़े दिन पहले यूपी जांदे आरोप लगदे कि सारी दे लोगां ने उहनां नूं नहीं कीता ते उहनां दे नाल छड़े हो देखो ये गल दा तां छोटी गल है रंधावा साहब जाके यूपी रहे ना रहे तो इन्वेस्टिगेशन हो जाए मगर जो VIP सहूलत जेल च मुख्तियार अंसारी नूं दित्ती है या उहदे परिवार नूं जिहड़े कनाल कॉलोनी है उत्थे स्टेट गैस्ट बनाया या रात नूं कहिंदे अंसारी आपदे घरे जाके
ਉਹ ਕਲਾਲ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜੱਗੂ ਭਨਵਾਨਪੁਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਰ ਜੁੜੇ। ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 'ਚ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀਕ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਮਗਰ ਜਦ ਹੁਣ 100 ਸਾਲਾਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਵੈਂਟ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਸਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਡੈਮਡ ਇਨ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਰਡਸ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆਪ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਟੇਲਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੋੜਤੇ, ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 3 ਟਾਈਮ MP ਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀ MP ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
घर जेड़े सानू खाली करन दे हुकम भी आ गया, किराया उहदे च वसूलिया जा रहा, वी आर पेइंग दे भैन जी इज पेइंग रेंट। सो हरदीप पुरी नाल रल के खेडण वाले तां तुसीं लोक हो। अज तक सोनिया गांधी तां मौज नाल बैठी है, 10 जनपद च पहलां उहनूं चलदा करो, इसलिए गल्लां। बट मैं उहदे वांगू डिग्गिया बंदा नहीं हाँ। सोनिया गांधी जी नूं इक घर की जगह दूजा घर दे दिओ, जां प्रियंका नूं दे दिओ, जां इन्हां दे पप्पू नूं दे दिओ, राहुल नूं, मैनूं की है। ये सलामत रहन, खुश रहन, एवें ये मगर पहला प्रिंस टेलर दे पैसे मोड़े, जां वह जिहड़ा परिवार इन्हें मारता, इन्हूं तां एड्डी हाई लगनी है, कटारिया परिवार जिन्हां दे बुजुर्ग नूं फादर ने जिन्हों आपके बच्चे मारने पै गए, अज यदि घर की बच गई है, मगर वह कि हालात से बची है, की वो जिंदगी रह गई है, जब वो आई लगनी है, इन्हों बड़े जवाब देने पैने। कला प्रिंस टेलर रोल है, इन्हें कई रोल से ये जे बंदे का सवाल पूछने तो पहला कोई थोड़ा सोच लिया करो यार। सिद्धू साहब की कमबैक हो रही थी, नवजोत सिंह सिद्धू जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह लंच के उत्ते मिलन। अच्छा रोटी मिलू कि नहीं? चलो ये मतलब कप्तान फिर पापा बन गया। चलो चंगी गल है, थैंक यू। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਨੇ ਕਿਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿ 10 ਵਰਸਸ 4 ਸਾਲ। चलो यदा फैसला लोगों ने करना, कांग्रेसी तो बहुत कुछ कहें, वो तो कहें घर घर नौकरी देती, वो तो कहें कि अभी SC स्कॉलरशिप सबनों देती, वो तो बहुत कुछ कहें, 5 रुपये बिजली करती, वो तो बहुत कुछ कहें। इसलिए उन्होंने कहण का इन्ना आप ध्यान ना दे। और दूजी गल, मैं सॉरी मैं एक टॉपिक पर वापस आ रहा, मैनू हुण ही गल याद आई, पंजाब विधानसभा के बाहर बिल्कुल बाहर दरवाजे के बाहर हरियाणा दे MLA ने 2012 तो 17 जद साडी सरकार सी उदों आके INLD दे MLA ने ते होर MLA ने इंडिपेंडेंट्स ने बाहर आके धरना दिता सी SYL इशू। मतलब ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती वेखो, मगर असी उहदे ते कोई कार्रवाई उदों सरकार साडी सी, मगर अज जे कोई गल करे लोकतंत्र जी जां किसानां दी, इन्नी मिर्चां लगदियां ने साडे भाजपा दे वीरां नूं। वह बेचारी दिशा रवि दा की कीता, वह ग्रेटा थनबर्ग जिहड़ी क्लाइमेट चेंज की सब तो वड्डी एक्टिविस्ट है, उहदे नाल की कीता? जां आ जिहड़ी उह रिहाना सिंगर सी उहदे नाल की कीता? जां इसे तरह कल जिहड़ी ग्रैमी अवार्ड्स लई सिलेक्ट होई है लिली सिंह, जिन्हें कि आपदे मास्क पा के रखिया सी आई सपोर्ट फार्मर्स, उहदे नाल की कीता? ये कोई लोकतंत्र लई डेमोक्रेसी लई कोई शुभ संकेत नहीं है कि जेड़ा कोई किसानां दी गल करूँ जां किसान खुदकुशी दे परिवारां दी गल करूँ जां जय जवान जय किसान दी गल करूँ जां पगड़ी संभाल जटा दी गल करूँ, उहदे खिलाफ़ परचे दर्ज होणगे। इह जे 100 परचे कर दिओ, मगर किसानां दी लड़ाई लोकतंत्र तरीके नाल, डेमोक्रेटिक तरीके नाल, संविधानिक हक नूं ध्यान च रखदिआं साडी जारी रहेगी। और मैं फिर कहना कांग्रेस नूं लोक माफ नहीं करनगे जिस तरीके नाल इन्हां ने अपनी पंजाब विधानसभा का एरिया पंजाब विधानसभा नूं सरेंडर करता है। अज सिर्फ ते सिर्फ कांग्रेस BJP अगे घुटने टेकते। असी तो कमिटमेंट देती है, बाल साहब ने आपके भाषण च कि 32 दे रेट विल बी बैक टू 5-5.5 दे विच, जिथे वो 17 च जद साडी सरकार सी उदों रेट जो हुंदा सी, सो वो अद्ध करदे ने। अज बिल 10 रुपये 11 रुपये अद्ध करन दी गल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने ऑलरेडी करती है। सर 21 तरीक नूं केजरीवाल आ रहे महारैली करन जी मोगे दे विच किसानां दे हक च, उत्थे बिल तां वापस लै लवे पहलां, उत्थे दिल्ली
जेडे बिल इन्हें पास किए है। बाकी केजरीवाल आवे नाल सिसोदिया आवे सतेंद्र जैन आऊगा तो विरोध होगा। केजरीवाल का भी इस गल का विरोध करांगे जिहड़ा उन्हें जेलां चो जो एक्टिविस्ट नाल जां किसानां नाल कीता। थैंक यू।